टेक्नो ने स्पार्क 8 सीरीज का नया रैम वेरिएंट लॉन्च किया है। स्विगी ने नया मेंबरशिप प्लान कर दिया है अनाउंस, जिसमें कि अनलिमिटेड फ्री होम डिलीवरी हासिल कर सकेंगे और शाओमी 12 दिसंबर में लॉन्च हो सकता है। इसी तरह की कमाल खबरें हैं आज के टेक न्यूज एपिसोड में, तो लास्ट तक देखिए वीडियो। मैं हूं अशफाक और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल चार्जर। तो चलिए शुरुआत करते हैं एपिसोड की, और सबसे पहले आपको बताते हैं स्विगी के नए मेंबरशिप प्लान के बारे में। स्विगी वन नाम से ये प्लान लॉन्च किया गया है, जिसको कि 3 महीने के लिए 299 या फिर सालाना 899 रुपए में लिया जा सकेगा। इस प्लान को लेने के बाद साल भर आप फ्री होम डिलीवरी का फायदा उठा सकते हैं। इतना ही नहीं, 50 से ज्यादा शहरों में इसका फायदा उठाया जा सकता है। जिन लोगों ने सुपर प्लान पहले से लिया हुआ है, उनको लेने की जरूरत नहीं है, अपने आप अपग्रेड हो जाएंगे। टेक्नो ने इसी साल सितंबर में स्पार्क 8 सीरीज लॉन्च की थी 3GB रैम वेरिएंट के साथ, लेकिन अब इस फोन को 4GB का रैम वेरिएंट भी मिल गया है। इंडिया में आज इसे लॉन्च कर दिया है 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में। इसमें ड्यूल रियर कैमरा है 16 मेगापिक्सल का, जिसमें प्राइमरी सेंसर भी दिया गया है। मीडिया टेक का हीलियो G25 प्रोसेसर इस फोन में मिल रहा है। प्राइस 10,999 रुपए है। आपको ये परचेस करने के लिए अभी ही मिल जाएगा, इसके लिए अलग से कोई डेट अनाउंस करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको पसंद है तो चेकआउट करने में कोई हर्ज नहीं है। कल हमने बात की थी मोटो जी सीरीज के अफोर्डेबल फोन G31 के बारे में, जिसके प्राइस कल टिप हुए थे 14,999। आज इसके मिड रेंज फोन यानी कि G51 के प्राइस पे टिप हो गए, और साथ में ये भी कंफर्म हो गया है कि ये मोटोरोला का मोस्ट अफोर्डेबल 5G फोन होगा G51 5G। इसमें 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी सेंसर के साथ ट्रिपल रियर कैमरा मिलेगा। 2 कलर ऑप्शन भी इस फोन के आ सकते हैं। प्राइस इसकी 20,000 के अंदर अंदर रहेगी, यानी कि 18,999 या 17,999 जैसे भी कंपनी ने दोस्तों प्लान किया होगा, रख सकती है। आने दीजिए, देखते हैं दोस्तों कि फोन कितना पसंद किया जाता है। ट्रूकॉलर 12 अब एंड्रॉइड यूजर्स के लिए भी अनाउंस हो गया है। बिना किसी सब्सक्रिप्शन या प्लान को लिए हुए कॉल रिकॉर्डिंग फीचर सभी यूजर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर स्टैंडर्ड और गोल्ड सब्सक्राइबर्स की बात करें तो उनको अलग से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स मिलने वाले हैं, जैसे कि घोस्ट कॉल या कॉल अनाउंसमेंट, ये सारे फीचर मिलेंगे। इसके अलावा वीडियो कॉल के टाइम पर भी आपको कॉलर आईडी फीचर मिलेगा। तो कुछ नए फीचर्स के साथ एंड्रॉइड यूजर्स के लिए कमाल का दोस्तों वर्जन आ गया है, इस्तेमाल करिए और फायदा उठाइए। दिसंबर का महीना भी बड़े मजे का गुजरने वाला है स्मार्टफोन लवर्स के लिए, क्योंकि Xiaomi की फ्लैगशिप सीरीज जो आने वाली है Xiaomi 12 और Xiaomi 12X, ये दो फोन लॉन्च हो सकते हैं। Xiaomi 12 के बारे में तो हम बहुत सारी बात कर चुके हैं, आज हम बात करते हैं 12X के बारे में। बताया जा रहा है कि इसमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर होगा, और साथ में हमें 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी मिलने वाला है। इसके अलावा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 चिपसेट पर फोन करेगा काम। अब अगर हम 12 की बात करें तो यहां पर पहले ही अनाउंस हो चुका है कि क्वालकॉम के लेटेस्ट फ्लैगशिप चिपसेट स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 1 के साथ में ये फोन लॉन्च होगा। पैंडेमिक का वो दौर तो कोई भी नहीं भूलेगा, जबकि हर एक को घर में रहना पड़ा, डेटा प्लान की बहुत जरूरत थी, तो कंपनियों ने ऐसे प्लान लॉन्च किए जिसमें कि यूजर्स को डबल डेटा बेनिफिट मिल रहे थे। लेकिन वोडाफोन आइडिया ने आज अनाउंस कर दिया है कि वो अपने सभी डबल डेटा प्रीपेड प्लान बंद कर रहा है। जिन्होंने पहले से रिचार्ज किए हुए वो फायदा उठाते रहेंगे, लेकिन अब कोई नया कस्टमर इसका फायदा नहीं उठा पाएगा। वैसे आपको बता दूं कि आज से वोडाफोन आइडिया के बढ़े हुए दर लागू हो गए और एयरटेल के कल से होने वाले हैं। इंडिया में फिलहाल तो सभी लीडिंग टेलीकॉम कंपनीज 5G ट्रायल करने में लगी हुई है। एयरटेल वैसे ही पहले कर चुका है ट्रायल, आज कंपनी ने एक और नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है 5G ट्रायल 700 MHz स्पेक्ट्रम में कर। अभी फिलहाल किसी और कंपनी ने इस स्पेक्ट्रम पर दोस्तों नहीं किया था ट्रायल, यानी कि एयरटेल और भी ज्यादा दोस्तों 5G पर अपना फोकस बनाए हुए हैं। देखते हैं दोस्तों इसके रिजल्ट्स कैसे आते हैं। और लास्ट में आपको बताते हैं बेहद कमाल की खबर उन यूजर्स के लिए जो Xiaomi के फोन पसंद करते हैं। अभी तक तो एप्पल का ऐसा प्लान मौजूद था, प्रोग्राम, जिसमें कि टूल्स का इस्तेमाल करके एप्पल के ऑथराइज सर्विस सेंटर पर जाके आप अपने डिवाइस को खुद कर सकते हैं रिपेयर, उसके बहुत माइनर से चार्जेस होते थे। लेकिन अब Xiaomi इंडिया में लेके आ रहा है ऐसा ही प्रोग्राम, जो कि एप्पल की तरह ही लगेगा, यानी कि आप सर्विस सेंटर पर जाके छोटी मोटी चीजों को खुद वहां के टूल्स का इस्तेमाल करके रिपेयर कर सकेंगे। बताइए आप दोस्तों, क्या आपके अंदर वो स्किल्स है कि आप अपनी डिवाइस को टूल से सही कर पाए। बाकी दोस्तों ये था एपिसोड, कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट करके बताइए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल, जुड़े रहिए चैनल के साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।